अब तक आपने देखा महाराज श्री कृष्णदेवराय रामा को दरबार का विदूषक नियुक्त करते हैं। दरबार के पहले दिन रामा दरबार में एक कविता प्रस्तुत करता है। दरबार में एक विदेशी महिला व्यापारी आती है जो दरबार को ठगना चाहती है। रामा की बुद्धिमता से विदेशी महिला का दाव असफल हो जाता है। रामा को इनाम पाते देख ईर्ष्या से भरे तथाचार्य रामा का मजाक उड़ाते हैं। महाराज को भी मजाक पर हंसता देख रामा को दुख होता है और वो निर्णय लेता है कि वो दरबार वापस नहीं जाएगा। परंतु एक मासूम लड़की की समस्या को दूर करते करते रामा को खुद समझ आता है कि उसका निर्णय गलत है। महाराज एक बहरूप में तथाचार्य के सामने आते हैं। दूसरी ओर अम्मा अचानक रामा के कमरे में आकर रामा से कुछ कहना चाहती हैं। अब आगे कैसे, मतलब ये इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकती है कि मैं अपने मिलन की पहली रात्रि नहीं मना सकता? नहीं नहीं, नहीं कह रही है कि आप आज मिलन की प्रथम रात्रि नहीं मना सकते। क्यों? आज अमावस्या का योग है और ऐसे में ग्रह अशांत होते हैं। ऐसे में मिलन की प्रथम रात्रि मनाए तो आने वाले जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इसलिए क्या? इसलिए उठा लो। क्या उठा लो? अरे हमें कह रही है अपना बिस्तर उठा लो और चलो इनके साथ। कहाँ? इनके साथ सोने। अरे नहीं, अरे शारदा सुनो तो। अरे ये अब तो शारदा भी गई और इसका गला नेशनल क्लब भी गया। अब तो ताने सुनाई दे। बात यह है कि हम एक दुविधा में हैं और केवल आप ही हैं जो हमें इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। कैसी दुविधा महाराज? आचार्यवर बात यह है कि हमारी स्वर्गीय माताजी की पुण्यतिथि आ रही है। हम जानते हैं, पिछले 2 वर्षों से हम ही तो संपन्न करवा रहे हैं पुण्यतिथि की पूजा। संयोग की बात है, कल रात्रि हमारी माताजी हमारे स्वप्न में आई। अच्छा जी। और हमें स्मरण हुई उनकी अंतिम इच्छा। कौन सी अंतिम इच्छा महाराज? रत्नागिरी के आमों का स्वाद चखने की इच्छा। हमारी माता जी को रत्नागिरी के आम का स्वाद लेना था, किंतु इससे पहले कि उनकी इच्छा पूरी होती उनका निधन हो गया और उनकी ये अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। मुनिवर, अब हमारी दुविधा यह है कि हम इनकी ये अंतिम इच्छा पूरी कैसे करें। मुनिवर, आप तो त्रिकाल दृष्टा हैं, स्वर्ग नर्क भू पाताल हर जगह आपकी पहुंच है। हम चाहते हैं कि आप अपने संपर्क सूत्र स्वर्ग तक जोड़िए और पता लगाइए कि हम अपनी स्वर्गीय माता जी की अंतिम इच्छा पूर्ण कैसे करें। अवश्य महाराज, अवश्य। हम आज ही साधना पर बैठते हैं और अपनी साधना शक्ति द्वारा पता लगाते हैं कैसे आपकी माता जी की अंतिम इच्छा पूरी की जा सकती है। धन्यवाद मणिवर। सावधान, जो अपनी जगह से हिले तो। कौन हो तुम और इतनी रात में इस महल में क्या कर रहे हो? मंत्रीवर आप? महाराज आप, आपने तो हमें डरा ही दिया था महाबली। क्या बात है मंत्रीवर, क्या भेष बदला है आपने? सो तो है महाराज, वैसे भेष बदलने में ना हमारा तो कोई जवाब ही नहीं, कोई 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 सानी नहीं। अच्छा, मेरा मतलब है आपका भी कोई कोई सानी नहीं महाराज। हमारा भी ही महाराज, ही आपका ही कोई सानी नहीं महाराज। अब भी तो हमारे साथ ही ठीक लगता है। अब देखिए ना, आपने क्या भेष बदला है, कमाल का भेष है महाराज। इसे कहते हैं भेष, इसे कहते हैं परिभाषा भेष की। ना कोई कह सकता है कि इस बहरूप के पीछे स्वयं विजयनगर नरेश महाराज श्री कृष्णदेव राय हैं। महाराज कृष्णदेव राय की धीमे महामंत्री, अगर किसी ने सुन लिया तो पकड़े जाएंगे हम। चलिए चलिए शीघ्र चलिए।
वैसे भी निकलने में काफी विलंब हो गया महाराज। वो विलंब हमारी वजह से हुआ है महामंत्री। हम यहाँ आने से पहले भूल से महारानी तिरुमलम्बा के कक्ष में चले गए थे और उन्होंने हमारे लिए कुछ विशेष व्यंजन बनाए थे, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हम समझ सकते हैं महाराज। आप क्या समझ सकते हैं इसमें? आपकी कर्तव्य निष्ठा महाराज, और क्या समझे, और समझने में बचाई क्या है महाराज। मतलब आंधी हो या प्रलय आ जाए, परंतु आप माह में एक बार अलग अलग वेशभूषा में राज्य में रात को निकलकर अपनी प्रजा का हालचाल पूछना कभी नहीं छोड़ते। आवश्यक है महामंत्री, आवश्यक है, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रजा हमारे बारे में, हमारे शासन के बारे में क्या सोचती है। इसी तरह तो हमें हमारी प्रजा का सुख दुख पता चलता है। अब चले, विलंब हो रहा है। चलिए महाराज। तो किस गांव से हो भैया? तेनाली से। तेनाली गांव? अरे वही ना जो महाराज के लाडले पंडित रामकृष्णा का गांव है। ऐसे क्यों कहते हो भैया, इसमें लाडले वाली क्या बात है? रामकृष्णा एक ज्ञानी पंडित है, बुद्धिमान पंडित है, सारा नगर उनकी बुद्धि कौशल की सराहना करता है, राजा भी करते हैं, इसमें बुरा क्या है? अरे इसमें बुरा कुछ नहीं है भैया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि महाराज पंडित रामकृष्णा पर अधिक मेहरबान है? धन दिया, घर दिया, यहाँ तक अपने दरबार में पद भी लिया। ये बताओ, इन सब से आभास नहीं होता कि महाराज के हृदय में उनके प्रति अलग स्थान है, और ये स्थान उन्हीं को प्राप्त होती है जिसे राजा जाति के रूप में पसंद करते हैं। होना तो नहीं चाहिए ऐसा, राजा की दृष्टि में तो सभी को एक समान होना चाहिए। वही तो भैया, यही मैं कह रहा था। महाराज ये लोग तो यूं ही बातें कर रहे हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अरे लोगों का तो काम है बोलना। नहीं महामंत्री जी, प्रजा अपने राजा के बारे में क्या सोचती है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि हमारी प्रजा हमारे कार्य हमारे निर्णय को वैसे नहीं देख पाती जैसे हम देखते हैं, तो समझ लीजिए हमसे कोई चूक हो रही है। मन मोहक रूप है जिसका, महाबली सिकाए दुख करता दुख हरता, महाराजा श्री कृष्ण देव राय तीनों लोगों के स्वामी कहलाए, हमारे कृष्ण देव राय तीनों लोगों के स्वामी कहलाए, हमारे कृष्ण देव राय। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर, इतनी रात को आप कहाँ से आ रहे हैं? और गांव से आए हैं, वैरागी है। आइए आइए ऋषिवर, हमारे साथ बैठिए, विश्राम कीजिए, आइए। अवश्य अवश्य, थोड़ा सा विश्राम तो कर ही सकते हैं हम। आइए बोलो। अरे हटो हटो, लगता है आप सब अपने राजा को बहुत प्रेम करते हैं। जी जी, बहुत आदर करते हैं उनका। जी जी जी, आपका गीत सुना थोड़ा सा अच्छा लगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप सभी लोग इस समय यहाँ पर पौष क्या? पौष? ये पौष क्या है? वो क्या है ना ऋषिवर, कि हम सब लोग पत्नी उत्पीड़न के शिकार हैं। हमारी पत्नियाँ जब जब उत्पीड़न करती हैं, हम लोग यहाँ आकर बैठ जाते हैं, और हमने इस जगह का नामकरण भी कर दिया पौष, पत्नी उत्पीड़न संघ। और जब हमारी पत्नियों का क्रोध शांत हो जाएगा तो हम सब लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। कमाल है, भला कोई अपनी पत्नी से इतना डर सकता है क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है मुनिवर, जब हमारे वीरों के वीर राजा श्री कृष्ण देवराय जो कि किसी से नहीं डरते हैं, वो भी अपनी धर्म पत्नी महारानी तिरुमलम्बा के सामने आते ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं। फिर हम किस खेत की मूली है भाई? अरे महाराज है तो क्या हुआ, ये तो हमारी तरह पति ही। अरे वो भी अपनी पत्नी के आगे आत्मसमर्पण कर देते होंगे जैसे हम लोग अपनी अपनी पत्नियों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। पता नहीं ये कान में क्या चला गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा हम लोग चलते हैं। जैसी आपकी इच्छा। कल्याण।
शारदा, शारदा उठ, शारदा भोर हो गई है, जल्दी उठ शारदा। माँ उठ रहे हैं ना, धीरज रखिए। अम्मा अब तो हम नींद में भी आपकी लाठी की भाषा समझने लग गए। लो उठ गए, प्रणाम। केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। रामा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रामा तो पहले जैसा रामा रहा ही नहीं, बिल्कुल बदल गया। महाराज ये कन्या कौन है? ऐसा लगता है हमने पहले कभी नहीं देखा है। महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, क्या आप इन्हें भूल गए? ये शारदा देवी अपने पंडित रामकृष्ण की धर्मपत्नी, बसंत पंचमी के दिन रामा के साथ ही तो थी उनकी राधा के रूप में। और महाराज ये वही घर है जो आपने भेंट स्वरूप रामकृष्ण को दिया है। तुम्हें लगता कि महाराज पंडित रामकृष्ण पर अधिक मेहरबान है? धन दिया, घर दिया, यहाँ तक अपने दरबार में पद भी लिया, और इससे यह भास नहीं होता कि महाराज के दिल में रामकृष्ण के लिए एक अलग ही स्थान है? राजा की दृष्टि में तो सभी को एक समान होना चाहिए। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। मंत्री वर, ये रामकृष्ण स्वयं को एक आदर्श पंडित और गुणवान व्यक्तित्व का स्वामी दर्शा रहे हैं। हम उसकी वास्तविकता जानना चाहते हैं। हम इसी समय इसी भेष में इनके गृह में प्रवेश करेंगे। भिक्षाम दे माते, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे माते। अब क्षमा कीजिए ऋषिवर, परंतु इतनी सुबह सुबह। भूख मृत्यु भाग्य सौभाग्य संपत्ति विपत्ति ये सब समय दिक्कत थोड़ी आती। हमें भूख लगी थी तो तेरे द्वार पर आ गए पुत्री, किंतु यदि तुझे कोई आपत्ति है तो कोई बात नहीं, हम खाली हाथ ही लौट जाते हैं। चलिए रुकिए मुनिवर, रुकिए प्रभु, रुकिए, रुक जाइए। करियो शारदा, कह रहा है साधु को कोई खाली हाथ लौटाता है क्या भला? ये रामा हमारा वो तात्पर्य नहीं था। मैं जानता हूँ, पर इन्हें तो यही प्रतीत हुआ होगा ना कि हम इन्हें भिक्षा देना नहीं चाहते। मुनिवर मैं अपनी पत्नी की ओर से आप दोनों से क्षमा मांगता हूँ। अहो भाग्य मेरे कि आपकी सेवा का सुअवसर मिला। आइए ना, भीतर आइए प्रभु, भिक्षा ही क्यों, भोजन करके जाइए, जो भी चाहेंगे बना दिया जाएगा। अपने शुभ चरणों से इस घर को और पवित्र कर दीजिए। आइए आइए प्रभु आइए। जो जहां है वही खड़ा रहेगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा कोई। ये अम्मा क्या कर रही हो? सौभाग्य से साधु घर पधारे हैं और तुम इस तरह से कह रही हैं? ये साधु नहीं है, है? इन्होंने इन्हें पहचान लिया है। हाँ
ये साधु के भेष में स्वयं भगवान हमारे यहाँ पधारे हैं। उठा लो। क्या? वो जल का लोटा उठा लो, उठा के इनके चरण दो और इन्हें धन्यवाद करो कि ये यहाँ आए हैं और इन्हें अंदर आने का निमंत्रण दो। क्षमा करें प्रभु, ये मेरी अम्मा है, इन्होंने आजीवन मौन व्रत धारण किया है इसलिए इस तरह सांकेतिक भाषा में बात करती है। और ये मेरी धर्मपत्नी शारदा है, पूरे संसार में केवल यही है जिसे इनकी सांकेतिक भाषा समझ में आती है। दोनों ही बहुत अद्भुत हैं। आइए आइए प्रभु, आइए आइए। ये गुंडप्पा है, मेरा सबसे करीबी और प्रिय मित्र। गुंडप्पा, ऋषिवरों को प्रणाम करो। गुंडप्पे, मेरे अच्छे गुंडप्पे, ऐसा मत कर। ये साधु हैं, अतिथि हैं, और अतिथि तो भगवान समान होते हैं ना, इसलिए यहाँ से कुछ भी निकालने का सोचना भी मत। हाँ, अरे गुरुवर, आप मत घबराइए, वो जो आपकी धोती के साथ घंटियां लटक रही है ना, ये उन्हें देखकर उत्तेजित हो रहा है। क्या है कि घंटियां इसकी कमजोरी है, जहां भी घंटियां देखता है निकाल कर खेलने लगता है। गधा कहीं का। ये लो। अच्छा, अब हम चलते हैं। भिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय और मिल जाता और आप दोनों को भोजन खिलाने का सौभाग्य मिल जाता तो जीवन धन्य हो जाता प्रभु। मेरी धर्मपत्नी बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती है, मुझे विश्वास है आप दोनों को अवश्य पसंद आएगा। भूख तो लगी है। लगी तो हमें भी है। ठीक है, परंतु घर में कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं, घर में जो भी है ले आइए, मिष्ठान विष्ठान जो भी है खा लेंगे। अम्मा कह रही है कि इन्होंने जांच लिया है कि ये मिष्ठान आपके भोग के लिए बिल्कुल स्वादिष्ट और सुरक्षित है, अब आप इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। आपकी माता जी ने मौन व्रत अवश्य धारण किया है किंतु बातें करना इनको अच्छा लगता है। बहुत ही स्वादिष्ट थे, आनंद आ गया। कल्याण, यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद ऋषिवर।
बस इस घर परिवार और विशेषकर इस रामा पर सदैव अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखेगा। अवश्य। अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे। शीघ्र मिलेंगे हम। मैं समझ गया मुनिवर, अब आज की सुबह तो हो ही गई, आज हम मिल भी लिए, अब तो आप आज विश्राम करेंगे, कल ही मिलना होगा। यदि प्रभुवर की आज्ञा हो, मेरा कहने का अर्थ है यदि ऋषिवरों का आशीर्वाद रहा तो। निष्कर्ष निकाला महाराज? यही कि मिष्ठान बहुत स्वादिष्ट थे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।